नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ की रसोई चैनल पर। आज हम बनाएंगे दलिया की खिचड़ी, जिसे गुजराती में फाड़ो भी कहते हैं। और ये मैंने दलिया ले ली है और ये मैंने अरहर की दाल ली है। हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए तेल, मिर्ची, प्याज, कढ़ी पत्ता और ये खट्टा करने के लिए आम, और ये कटे हुए आलू, सींगदाना, टमाटर। कुकर में हम 2 चम्मच तेल लेंगे तड़का लगाने के लिए। 1 चम्मच राई डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, और इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज, कटी हुई मिर्ची, हम हल्का सा इसे चला भी लेंगे, फिर कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। कड़ी निमड़ा पत्ती डाल दी और ये हम सींगदाना डाल देते हैं, कटे हुए आलू और ये खड़ी मिर्च डाल दी। अब इसे हम अच्छी तरह से भूंज लेंगे। इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच। अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, हमने ये दलिया को धो लिया है, दलिया और अरहर की दाल को, इसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। और इसे खूब अच्छी तरह से चला लेते हैं। इसमें 1/2 चमची लाल मिर्ची, 1 चम्मच सेंधा नमक। मैं सेंधा नमक डालती हूँ इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से भूंज लेंगे। जितनी अच्छी तरह से इसे भूंजेंगे उसका स्वाद उतना ही अच्छा आता है। अब आप देख लीजिए ये देखने में कैसी दिख रही है, आप देख सकते हैं। अब हम डालेंगे पानी। इसे खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये खिचड़ी को खट्टा करने के लिए मैंने आम डाल दिया है। और खिचड़ी में अब उबाल आ चुका है तो कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे। दोस्तों, ये कुकर की सीटी बज गई है और हमने गैस बंद कर दिया है। अब कुकर ठंडा हो गया है, उसके बाद हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए, आप देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये हम प्लेट में इसे रख लेते हैं। इसको तिक्खी चटनी और नींबू के साथ खाया जाता है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट रहती है। दोस्तों, ये खिचड़ी आप घर पर बनाएं और आपके अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।